नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, जागो पंच ने ये ठान रखा है कि वह अपने बहुजन समाज यानी ओबीसी एससी समाज से अंधविश्वास और पाखंड को मिटा के ही दम लेगा। इसी संदर्भ में मैं लगातार आपको पिछले 1.5 सालों से वीडियो बना के दे रहा हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त भी हूँ कि जिस तरह से आप सभी जागो पंच को प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज से ख़त्म होगा और हम अपने महापुरुषों के उस भारत को यथार्थ रूप दे पाएंगे जिसकी वो कल्पना किया करते थे। इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने वही पुस्तक जिसके इस समय आपके सामने मैं पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, गुलाम गिरी, जिसके रचनाकार हैं ज्योति राव गोविंद राव फुले जी। तो साथियों, ज्योति राव जी ने हमारे समाज की आंखें खोलने के लिए गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी है, इससे हम सभी की आंखों पे जो अंधविश्वास और पाखंड रूपी मोतिया बिंद हुआ है, इसका ऑपरेशन इस गुलामगिरी पुस्तक से हो जाता है। अगर आप इसे गौर से सुने तो निश्चित तौर पर आप अपनी गुलामी का एहसास करने लगेंगे कि हम गुलाम कैसे हैं। तो साथियों, चलते हैं आज परिच्छेद दो पर। परिच्छेद दो में शीर्षक दिया गया है मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। धोनी राव इस देश में बटू यानी बामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे, यानी हमारे देश में आर्यों का किस प्रकार प्रवेश हुआ है और किस किस नाम से हुआ है, कैसे हुआ है, इस बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी होगी। और जो हमारे समाज में अवतार थे, मत्स्य अवतार या शंखासुर, ये सब क्या थे, वास्तव में आज इस वीडियो में आपको जानकारी हो जाएगी। तो धोंडी राव जी कह रहे हैं कि इस देश में बटू बामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे, ये बात कर रहे हैं। दो लोगों की विमर्श है, ज्योति राव जी का और धोनी राव जी का। तो धोनी राव जी ने सवाल किया तो ज्योति राव जी ने कहा, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जल मार्ग से आए। धोनी राव जी, उनमें से पहला जत्था जल मार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से? तो ज्योति राव जी ने कहा, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थीं, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य पड़ गया होगा। धोनी राव जी, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिख दिया कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ? ज्योति राव जी, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली, इनकी इंद्रियों में, आहार में, निंद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, अतड़ियों में, गर्भ पालने पोषने की जगह में, प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है, वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। नारी स्वभाव रूप में एक समय ही बच्चे को जन्म देती है, एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। तो दोनों संरचनाओं में अंतर हुआ। कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उनमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में वह मत्स्य बालक था, जिसको पानी से बहाकर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा, उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि ये कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बचेगी? कोई आदमी इस तरह की शंका कर सकता है। मनुष्यों में किसी मंझे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था, उस अंडे को पहचान कर वह उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन
बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को निकाला होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा? उस जलचर संदेशवाहक की भाषा को मानव को कैसे समझ में आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए इसके बारे में यह अनुमानित प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। तो इतना सुनने के बाद धोनीराव जी कह रहे हैं, अच्छा फिर ये सवाल उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? फिर ज्योतिराव जी कह रहे हैं, पश्चिम में समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। धोनीराव जी, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? ज्योतिराव जी, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मारते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस पाने लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक आक्रमण कर दिया। धोनीराव जी, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव जी कह रहे हैं, उस करारे हमले में मत्स्य के कबीले की हार हुई, करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उस समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा बड़ा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर आ पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम उपनाम कच्छ हो गया। तो साथियों, आप सभी को ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि आप सभी जब भी पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आपने ये जो हमारे महात्मा ज्योतिराव जी और धोनीराव जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का भी मकसद यही है। इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखा गया है कि फला ऋषि हिरणी से पैदा हुए, फला ऋषि वीर से बाहर ही पड़ा था उससे पैदा हो गए, फला हिरणी से पैदा हुए, फला मछली से पैदा हो गए। तो इस तरह की बातें क्या आपके मानस कपाट में घुसती हैं? क्या आप सहर्ष उसे मान लेते हैं कि यह ईश्वरीय कृत है और यह ईश्वर ही कर सकता है? लेकिन ईश्वर को यदि यही करना होता तो वह मानवों से मानव क्यों ज्यादातर पैदा कर रहा है? ज्यादातर ही नहीं, यानी 100% मानव से मानवों को पैदा कर रहा है, क्यों नहीं वो भैंसों से, गायों से, इस तरह के मानव पैदा हो रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं हुए? इसके बारे में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ हो आखिर हो क्या रहा है, यानी इन पुराणों के जरिए आपके दिमाग में डाला क्या जा रहा है। ये डाला जा रहा है आपके दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड, यानी आप मैं जो कहूं वो आप मानो, भले ही वो इल्लीगल हो या आप प्राकृतिक हो या सरासर झूठ हो, आपको केवल मानना है क्योंकि आप मेरे धर्म के हैं और धर्म का सर्वेश्वर मैं हूं। और जब मैं धर्म का सर्वेश्वर हूं तो आपका काम मानना है, और जब आप मानेंगे, मैं कह रहा हूं मछली से मानव बच्चा पैदा हुआ, तो आप जय जय करेंगे, वाह 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 वाह। तो क्या होगा? तभी आप हमारे इशारे पर चल पाएंगे, और जब आप हमारे इशारे पर चल पाएंगे तभी ये पुस्तक गुलामगिरी जो लिखी गई है तभी सही सिद्ध होगी, तभी हमारे
जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी समझाना चाहते हैं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो साथियों, आप सभी इन सारी चीज़ों को जो अप्राकृतिक है उसे समझने का प्रयास करिए कि बहुत सारी कहानियाँ हमारे ग्रंथों में अप्राकृतिक दी हुई हैं। जो अप्राकृतिक दी हुई हैं वह निश्चित तौर पर आपको उस पर तर्क करना चाहिए और महापुरुषों के लिखी हुई इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हमारा उद्धार हो पाएगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो गुलामगिरी पुस्तक से आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे एक ज्वाइन बटन है, जो साथी चाहता है कि हम जागो पंच के मेंबर बने, सदस्य बने, जागो पंच में अपनी सहभागिता निभाएं, तो वह ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले लें, जिससे जागो पंच को और मजबूती मिल सके। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।